आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। भाई बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान के लिए कल का दिन रहा काफ़ी ज़्यादा बुरा। जी हाँ, आपको बता दूं कि सलमान खान के नेफ्यू अब्दुल्ला खान ने कल मुंबई हॉस्पिटल में तोड़ दिया दम। जी हाँ, आपको बता दूं अपनी हार्ट रिलेटेड इलनेस की वजह से 38 साल के अब्दुल्ला खान वहाँ एडमिट थे और कल शाम को उन्होंने तोड़ दिया है दम। वेल, आपको बता दूं कि अब्दुल्ला खान डायबिटीज़ के भी मरीज थे, पर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल पर कि उन्हें कोरोना वायरस था। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ही उनकी मौत हुई है, पर उनकी फैमिली ने ये सारी ही एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा है कि नहीं, उनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है। वहीं बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान ने अपनी कंडोलेंस जाहिर की है मिडनाइट को। जी हाँ, उन्होंने अपनी और अब्दुल्ला खान की एक फोटो को शेयर किया है और लिखा है, विल ऑलवेज लव यू। बात करें दूसरे सेलिब्रिटीज़ की, तो दूसरे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि डेजी शार, जरीन खान और लूलिया मेंटोर ने भी अपनी कंडोलेंस को जाहिर किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। तीनों ने ही काफ़ी ज़्यादा दुख व्यक्त किया है अब्दुल्ला खान की इस सडन डेथ पे और ने कहा है दैट ही ऑलवेज बी मिस्ड। फिर बात करें सलमान खान की फैमिली की, तो काफ़ी ज़्यादा दुख का टाइम है उनके लिए। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स की वॉचिंग बुगल बुगल।